वर्चुअल रियलिटी यानी VR और एग्यूमेंटेड रियलिटी यानी AR, गेमिंग, मार्केटिंग, ई कॉमर्स, एजुकेशन और कई सारे फील्ड्स में फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं। दोनों ही टेक्नोलॉजी को वर्चुअल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड के साथ 3D विजुअल्स के थ्रू एक एनहांस्ड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। ऑल्दो इन दोनों को एक दूसरे के साथ कंफ्यूज कर लेना बहुत आसान है, पर इन दोनों में कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस भी हैं। तो पहले AR यानी एग्यूमेंटेड रियलिटी को जान लेते हैं। AR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज को रियल वर्ल्ड के यूजर व्यू पे सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। यहाँ कंप्यूटर जनरेटेड ऑडियो, विजुअल एटसेट्रा की हेल्प से भी रियलिटी को मॉडिफाई किया जाता है। कई जगह इस टेक्नोलॉजी को मिक्स्ड रियलिटी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कंप्यूटर से बनाई गई इमेज को रियल वर्ल्ड के यूजर पे सुपर इम्पोज करते हुए एक ऐसा व्यू तैयार किया जाता है जिससे आपको रियल और वर्चुअल वर्ल्ड में डिफरेंस करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ऑलमोस्ट कोई भी जिसके पास स्मार्टफोन है वो कभी भी एग्यूमेंटेड रियलिटी को एक्सेस कर सकता है, और वो इसे VR के कंपैरिजन में ज्यादा इफिशियंट किसी भी ब्रांडिंग और गेमिंग टूल के लिए बनाता है। AR फिजिकल वर्ल्ड को मॉर्फ कर उसे कलरफुल और ज्यादा विजुअल बनाता है। जहाँ फोन के कैमरा और वीडियो में विजुअल पिक्चर्स और कैरेक्टर्स को प्रोजेक्ट की जाती है, ऑगमेंटेड रियलिटी मेयरली यूजर के रियल लाइफ एक्सपीरियंस को थोड़ा इनहेंस कर देता है। AR बेसिकली डिजिटल वर्ल्ड का एक परफेक्ट ब्लेंड है, जहाँ फिजिकल एलिमेंट के साथ साथ एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर दी जाती है। कई एप्स जिसे AR टेक्नोलॉजी यूज कर मोबाइल और डेस्कटॉप में डिजिटल कंपोनेंट्स को रियल वर्ल्ड में क्रिएट करने के लिए ब्लेंड कर दी है, वो सभी डेवलप की गई हैं। AR टेक्नोलॉजी कई स्पोर्ट्स और गेम के फील्ड में ग्राउंड पे रियलिस्टिक दिखने वाली स्कोर या एडवर्टीजमेंट दिखाने के काम आती है, जो कि पॉप आउट 3D फोटोज, टेलीकास्ट, टेक्स्ट मैसेज और ईमेल्स में भी काम आता है। तो VR यानी वर्चुअल रियलिटी को जानते हैं। तो VR एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जिसका यूज एक वर्चुअल वर्ल्ड को क्रिएट करने में किया जाता है, जिससे आप ऐसा फील करते हैं कि आप उसी वर्ल्ड में हैं। वर्चुअल रियलिटी का यूज 3D एनवायरनमेंट के हाई विजुअल मल्टीमीडिया से रिलेटेड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। वर्चुअल रियलिटी में आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट को कुछ खास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की हेल्प से बनाया जाता है, जिससे यूजर को वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट रियल लगता है। वर्चुअल रियलिटी में 3D और 360 डिग्री वीडियो व्यू टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। इसमें आप वीडियो को हर तरफ से आगे पीछे मूव कर देख सकते हैं। इसमें कई विजुअल इफेक्ट और साउंड का यूज किया जाता है, जिससे VR गेम्स और भी ज्यादा रियल फील होते हैं। जो लोग मोबाइल और कंप्यूटर पर गेम खेलते हैं वे VR के थ्रू उसका पार्ट बन सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी एग्यूमेंटेड रियलिटी के सारे कंपोनेंट को अनदर लेवल पे इंटायरली कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशंस को अल्टरनेट वर्ल्ड में क्रिएट कर देती है। ये इमर्सिव सिमुलेशंस ऑलमोस्ट कोई भी वर्चुअल और प्लेयर्स की तरफ से इमेजिनेबल प्लेस को कई स्पेशल इक्विपमेंट्स जैसे कि कंप्यूटर्स, सेंसर, हेडसेट्स और ग्लव्स का यूज कर क्रिएट किया जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी का फोकस विजन को सिमुलेट करना है, जिस वजह से रियल वर्ल्ड के साथ उसके सारे इंटरेक्शंस खत्म हो जाते हैं। गेम्स और एंटरटेनमेंट के अपार्ट वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग, एजुकेशन और साइंस में भी यूज होता है। तो AR और VR में कई की डिफरेंसेस हैं। नंबर 1, AR रियल वर्ल्ड सीन को एगुमेंट करता है, वहीं VR कम्प्लीटली इमर्सिव विजुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। नंबर 2, AR में 25% वर्चुअल और 75% रियल होता है, जबकि VR में 75% वर्चुअल और 25% ही रियल होती है। नंबर 3, AR में किसी भी तरह की कोई हेडसेट नीडेड नहीं होती है, जबकि ऑन द अदर हैंड VR में आपको VR हेडसेट डिवाइस की जरूरत होती है। नंबर 4, AR की हेल्प से एंड यूजर स्टिल रियल वर्ल्ड के टच में रह सकता है और अपने आसपास के वर्चुअल ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट कर सकता है, लेकिन VR टेक्नोलॉजी में VR यूजर रियल वर्ल्ड से आइसोलेटेड होकर खुद को फिक्शनल वर्ल्ड में इमर्स कर लेता है। नंबर 5, AR यूजर अपने रियल वर्ल्ड के प्रेजेंस को कंट्रोल कर सकता है और VR यूजर सिस्टम के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। ये कहना गलत होगा कि एग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी दोनों सेपरेट ऑपरेट करने के लिए बनाए गए हैं, वो मोस्टली एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर एक इम्प्रूव्ड इनहांस्ड एक्सपीरियंस जनरेट करने के कैपेबल हैं। जब इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक साथ मर्ज कर दी जाती है
तो यूजर को फिक्टिशियस वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, जहां यूजर न्यू डायमेंशंस में रियल और वर्चुअल वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। तो एट द वेरी एंड एग्यूमेंटेड रियलिटी में कंप्यूटर विजन का यूज कर मैपिंग एज वेल एज डेप्थ ट्रैकिंग के थ्रू यूजर को एप्रोप्रिएट कंटेंट दिखाया जाता है। इसकी फंक्शनैलिटी में कैमराज के डेटा को कलेक्ट, सेंड और प्रोसेस करने के लिए अलाउ की जाती है, ताकि वो डिजिटल कंटेंट को एप्रोप्रिएट वे में किसी भी यूजर को दिखा सके। तो वही वर्चुअल रियलिटी एक कंप्यूटर जनरेटेड सिमुलेशन किसी भी अल्टरनेट वर्ल्ड और रियलिटी का होता है, जिसे 3D मूवी और वीडियो गेम्स में बहुत यूज किया जाता है। इसकी हेल्प से रियल वर्ल्ड से सिमिलर सिमुलेशंस यूजर के लिए कंप्यूटर्स, सेंसर्स, हेडसेट, ग्लव्स का यूज कर क्रिएट की जाती है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको AR यानी एग्यूमेंटेड रियलिटी और VR यानी वर्चुअल रियलिटी के बारे में कुछ जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।